धन की कमी से परेशान है। मैं रजनीश ऋषि लेता हूं गारंटी आप पर मां महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसाने की। देवताओं के गुरु भगवान श्री बृहस्पति देव में आस्था रखने वाले भक्तगणों, अगर आपकी जन्म कुंडली में या आपके परिवार के किसी सदस्य की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव पीड़ा कारक हो, आपको परेशान कर रहे हो, उनकी किसी पीड़ा की वजह से, उनके किसी दोष की वजह से आपके ऊपर परेशानी आ रही हो या आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, तो आप भगवान श्री बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का 19,000 बीज मंत्रों का विधि पूर्वक अपनी नित्य प्रति की पूजा में जप करें। इन जपों को करने से हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली की पीड़ा, बृहस्पति देव द्वारा प्रदान की गई पीड़ा की शांति होती है और बृहस्पति देव अपने दुष्प्रभावों को खत्म करते हुए आपको अपने सुफल, अपने शुभ प्रभाव प्रदान करने लगते हैं। आइए अब आप सभी मेरे साथ भगवान श्री बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का उच्चारण करें। 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले गुरु रजनीश ऋषि शीघ्र ही दिल्ली के निकट लगभग 10 एकड़ में फैले शनि नवग्रह शांति मंदिर एवं ऋषि मेडिटेशन आश्रम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए फ्री पूजा, यज्ञ, मेडिटेशन एवं रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आइए मैं गुरु मां रुक्मिणी इस प्रपोज्ड पवित्र मंदिर एवं आश्रम के वर्चुअल दर्शन के लिए आपको ले चलती हूँ। ये है हमारे आश्रम का मेन गेट। ऐसा होगा हमारा प्रमुख शनि मंदिर, ऐसा होगा हमारा सूर्य ग्रह मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा चंद्र ग्रह शांति मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा मंगल ग्रह मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा बुध ग्रह शांति मंदिर एवं बुध ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा बृहस्पति ग्रह मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ये है हमारा शुक्र ग्रह शांति मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा मेरे इष्ट श्री शनिदेव भगवान का मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा राहु ग्रह मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा केतु ग्रह शांति मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा नवग्रह शांति मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा दुर्लभ बंगलामुखी देवी माँ का मंदिर एवं तांत्रिक यज्ञशाला। आपकी काल सर दोष की पीड़ा को दूर करने के लिए ऐसा होगा हमारा काल सर्प मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा मेडिटेशन हॉल एवं प्रवचन स्थल, ऐसा होगा प्रकृति के बीच हमारा नेचुरल मेडिटेशन सेंटर, ऐसा होगा आप सभी भक्तगणों के लिए एयर कंडीशन गंगोत्री निवास स्थल, ऐसा होगा आप सभी भक्तों के लिए यमुनोत्री एयरपोर्ट निवास स्थान, ऐसा होगा आपके लिए गंगा सागर डॉर्मेट्री एयरपोर्ट निवास स्थान, ऐसा होगा वैदिक ज्ञान के लिए हमारा गुरुकुल, ऐसा होगा हमारा भोजनालय माँ अन्नपूर्णा, ऐसा होगा हमारा कैफे हाउस और रेस्ट हाउस, ये है हमारे प्राणों से प्रिय गौ माता के लिए गौशाला, कुछ ऐसा होगा हमारा किचन गार्डन, ये है गुरुजी द्वारा नियंत्रित शराब और सिगरेट पीने वाले लड़कों के लिए मेल रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऐसा होगा मेरे द्वारा नियंत्रित शराब और सिगरेट पीने वाली लड़कियों के लिए फीमेल रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये है आश्रम की ऑफिस बिल्डिंग एवं रिसेप्शन, ये है हमारे आश्रम का
पूजा स्तोत्र, ऐसी होगी सामूहिक यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा प्रभु मिलन व्रत आश्रम, ऐसी होगी आश्रम के अंदर वाटर बॉडीज, ये है हमारा नेचुरल योगा सेंटर, ये है हमारा आप सभी के लिए वैदिक लाइब्रेरी। आप सभी हमारी इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हमारे शनि मंदिर एवं शनि आश्रम के मेंबर बन सकते हैं। हमारे शनि मंदिर की इस गंगोत्री नामक मेंबरशिप में सभी मेंबर्स को प्रतिवर्ष 21 दिन के लिए गंगोत्री निवास, जो कि एयर कंडीशन होगा, उसमें रहने की फ्री पूजा पाठ मेडिटेशन एवं रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आपसे 5,01,000 रुपए की मेंबरशिप फीस ली जाएगी। यह फीस नॉन रिफंडेबल होगी। यह नोट्री मेंबरशिप हमारे इस शनि मंदिर की मेंबरशिप में सभी मेंबर्स को प्रतिवर्ष 15 दिन के लिए यमनोत्री निवास, जो कि एयरपूल होगा, उसमें रहने की फ्री सुविधा, पूजा पाठ मेडिटेशन एवं रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आपसे 3,21,000 की मेंबरशिप फीस ली जाएगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। गंगा सागर मेंबरशिप, हमारे शनि मंदिर की इस गंगा सागर मेंबरशिप में आपको आपके पूरे जीवन के लिए वर्ष में एक बार 7 दिनों के लिए रहने की, पूजा पाठ मेडिटेशन एवं रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आपसे 1,50,000 की मेंबरशिप फीस ली जाएगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। शनि सेवक मेंबरशिप, हमारे शनि मंदिर की इस मेंबरशिप में आप दिन के समय यानी डे टाइम में खाने पीने पूजा पाठ इत्यादि की सारी व्यवस्था का आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए आपसे 33,000 की एक फिक्स राशि एवं प्रतिमा 150 रुपए लिए जाएंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। भगवान श्री शनि देव में आस्था रखने वाले प्रिय भक्तगण, इसके अतिरिक्त जो भी भक्तगण इस पवित्र दुर्लभ शनि मंदिर, मेडिटेशन आश्रम, व्रत आश्रम, गुरुकुल, नशा मुक्ति सेंटर, गौशाला आदि के निर्माण के लिए दान करना चाहते हैं, वे सभी भक्तगण शनि मंदिर वाले गुरु रजनीश ऋषि से नीचे दिए किसी भी माध्यम से अथवा स्वयं मिलकर या लॉर्ड शनि देव के कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान के किसी भी बैंक में जाकर डायरेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं। हमारे वेदों, पुराणों एवं सभी धर्म ग्रंथों में शनि मंदिर निर्माण एवं जन कल्याणकारी कार्यों के लिए दिए गए दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जिसका पुण्य 1,000 गुना होकर हमें इसी जन्म में अथवा हमारे द्वारा लिए गए किसी अन्य जन्म में हमें अवश्य प्राप्त होता है। जय जय श्री राम, जय श्री पवन पुत्र हनुमान, जय जय श्री शनिदेव। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। 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 ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः।
प्रिय भक्तगणों, अगर आप किसी भी नवग्रह देवता को प्रसन्न करने के लिए जप करना चाहते हैं तो वो है जप आपको सिर्फ और सिर्फ स्वयं करना चाहिए। ऐसा किसी जप अयोग्य पंडित, अज्ञानी पंडित या मंदिर के पंडित से कराने के पश्चात आप पाएंगे कि वो लोग आपके लिए जप नहीं करते, केवल आपको दिखाने के लिए उस समय दो चार मंत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आप वहाँ से हटते हैं वो लोग अपने किसी और काम में लग जाते हैं। और ज़्यादातर यह भी मेरे अनुभव में आया है कि पंडितगण अपने मुँह में हर समय तंबाकू रखे रहते हैं, उसके बाद अगर मंत्र पढ़ेंगे तो आप खुद मुझसे अधिक जानते हैं कि उस जप का, उस पूजा का क्या तो भगवान को प्राप्त होना है और क्या उसके सुफल आपको प्राप्त होंगे। मेरे बहुत सारे मंदिर के पंडितों से संपर्क रहे हैं जिन्हें देखकर मैं हैरान होता हूं कि ये मंदिर में बैठे हुए पुजारी जो कि जिनकी तादाद 100 में से लगभग 90% है आपके लिए कुछ नहीं करते, वो केवल केवल अपने लिए करते हैं। अगर वो वही जब अपने लिए कर लें तो शायद उनको कभी किसी के आगे याचक बनकर, पंडित बनकर जप के नाम पर धोखा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि आप मजबूर हैं किसी योग्य ब्राह्मण से हवन, जप के पश्चात हवन इत्यादि कराने के लिए, क्योंकि उसके लिए, उसके अतिरिक्त आपके पास कोई चारा भी नहीं है। एक बार पुनः इस विनम्र अनुरोध के साथ कि अगर आप किसी भी ग्रह से संबंधित पीड़ा के लिए जप करना चाहते हैं तो उनकी निश्चित संख्या बना लें, उस निश्चित संख्या में आप प्रतिदिन जप करें, चाहे वो केवल 108 मंत्रों का जप क्यों ना हो, एक माला के बराबर मंत्रों का जप क्यों ना हो, वो जब आप 40 दिन में पूरा करें, 108 दिन में पूरा करें या उससे भी जितने भी अधिक दिन लगते हैं उनमें पूरा करें और हवन इत्यादि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण का चुनाव करें, ताकि आपको आपके द्वारा किए गए हवन और पूजन जप इत्यादि का पूरा शुभ फल प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, अगर आप या आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड किसी भी प्रकार की परेशानी में हो, चाहे वो धन, व्यापार, नौकरी, कर्जा, शादी, कैरियर, संतान से संबंधी हो या फिर संतान की पढ़ाई लिखाई, मियां बीबी के झगड़े, प्यार, तलाक, धन की कमी या फिर भूत प्रेत नजर आदि की समस्या से परेशान हैं, तो आप 133 देशों में प्रसिद्ध हमारे शनि मंदिर वाले गुरु रजनीश ऋषि से किसी भी दिन समय लेकर अपनी जन्म पत्री या बर्थ चार्ट के साथ ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली स्थित ऑफिस में फोन नंबर 9111450-51710 या हमारी विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट www.shanidev.us पर विजिट कर सकते हैं। मैं गुरु माँ रिया आप सभी भक्तों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि गुरु जी आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को अवश्य ही